क्या बात है आशु, अभी तक सोया नहीं तू? इन हालात में किसे नींद आ सकती है माँ? मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्यों नहीं सोई? बेटा, तू ये बात जानता है ना कि अमरनाथ जी कभी भी ये रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन सरिता और तुम्हारे प्यार के आगे उन्हें झुकना पड़ा और ये रिश्ता उन्हें करना पड़ा। माँ, अगर अब भी अमरनाथ जी ये रिश्ता नहीं चाहते तो हमें क्या जरूरत है? अगर वो गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी वही करें। माँ, अब तू जाकर खाना खा ले। 2 दिन से तू ऑफिस भी नहीं गया है, कल तुझे ऑफिस जाना है। क्या कह रहा है ये? मैंने इसे सब समझा दिया है। तू जा खाना खा ले, कुछ नहीं खाया तुमने। जी पापा। और अब अमरनाथ जी को भी समझाना पड़ेगा, कल ही जाके समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको अमरनाथ जी से बात करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जो भी बात करें वो सोच समझ कर और शांत मन से कीजिएगा। और क्या करेंगे, यही तो कर रहे हैं। अब तक जो हमने जिल्ला तो उठाई है, वो सिर्फ इसीलिए तो उठाई है क्योंकि हमने शांति से काम लिया है। मैं देख रहा हूं, जब से ये रिश्ता हुआ है, अमरनाथ जी को ऐसा लगता है उनसे संबंध जोड़ के हमने समाज में उनको बेइज्जत कर दिया है। वाह, अगर लड़की नहीं देनी थी तो ना देते, हम क्या जबरदस्ती उठा लाते? ब्याह के लाए उनसे, और कुसुम से ज्यादा देखभाल की है हमने उनकी बेटी की, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अमीर खानदान की इकलौती बेटी है, हमारे घर में उसे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्या मिला हमें ये सब करके? अब किसे क्या मिला क्या नहीं मिला इस हिसाब में पढ़ने से क्या फायदा है? लेकिन जरा कुसुम के बारे में सोचिए, उसने कितना अपमान सहा है फिर भी वो चुप है, क्योंकि उसके कर्तव्य ने उसे चुप रखा है। उसके मन पर क्या गुजरी होगी, कैसे सहा होगा उसने सब कुछ, जबकि वो निर्दोष है। और वो ये सब कुछ किस लिए कर रही है? सिर्फ हमारे आशु और सरिता को मिलाने के लिए ना?